अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करेंगे आज आपसे इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया बीएससी फिजिक्स के बारे में। पेपर दोस्तों इसका हो चुका है सीबीटी का 16 मई को। आज बताऊंगा कट ऑफ क्या रहने वाली है। मेरे ख्याल से पेपर मैंने देख लिया है, पेपर का लेवल क्या था सारी बात बताऊँगा आगे आपको वीडियो में। सब्सक्राइब आप मुझे उम्मीद ज़रूर कर लेंगे, पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाया ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। दोस्तों पेपर का पहले बात करें पेपर के लेवल के बारे में। दोस्तों पेपर का जो लेवल था वो उसमें आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट और थ्योरी, आपका जो पार्ट था जिसमें आपको है थ्योरी वो लगभग 50-50 था। न्यूमेरिकल आप जहाँ पर आपको प्रॉपर सॉल्व करना था वो अराउंड 20 के अराउंड सवाल आए थे, और जहाँ पर आपको फॉर्मूला वगैरह का जो सवाल आता है बनाने का वो या जो कॉन्सेप्ट वाला सवाल आता है वो लगभग 4 से 5 थे। तो लगभग 50% आपको ये न्यूमेरिकल था, 50% आपको था थ्योरी आई थी। अब आपको 50 में से 40 सवाल करना होते हैं और 200 मार्क्स का आपको भी पेपर होता है, टाइम होता है 1 घंटा, जो कि काफ़ी कम है अगर हम देखें। मतलब फिज़िक्स जैसे जो सब्जेक्ट है काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि काफ़ी इसमें आपको काम करने को होता है, प्रैक्टिकल होता है, सवाल होते हैं, सॉल्व करने में टाइम लगता है, पॉइंट का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक मुश्किल सब्जेक्ट है। और यहाँ पर बहुत हाई स्कोरिंग मामला यहाँ पर नहीं होता। जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा वो शायद 30 सवाल आराम से उससे निकाल ली हो उसने, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो 30-32 सवाल कर पाते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ बहुत ऊंची आने की उम्मीद तो मेरे ख्याल से नहीं है। मतलब ऊंची का मतलब 160-170 ऐसे दोस्तों बहुत मुश्किल है। तो मैंने पेपर देखा, मुझे पेपर बड़ा मतलब सही लगा। अगेन जो मैं सही का मतलब ये है जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, सबके लिए सही नहीं होगा ऐसा नहीं है, तो ठीक ठाक पेपर था। ऐसी पेपर आपको मतलब आना चाहिए, आधा आधा पार्ट मेरे ख्याल से रहना चाहिए, तो पेपर बड़ा बैलेंस आया था। तो बात करते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ जहाँ तक मेरे ख्याल है उसको जनरल के अंदर जो कट ऑफ रह सकती है लिस्ट वन में वो अराउंड 125 to 130 के बीच में हो सकती है। उसको ध्यान रहे जितनी मैं बात बोल रहा हूँ 80% केस में मेरे ख्याल से यहाँ रहने वाली, बाकी 1-2% में ऊपर नीचे, मतलब 10% ऊपर हो सकती है, 10% नीचे भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो ऐसी मुझे उम्मीद बहुत कम है। हुआ तो 2-3 नंबर का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस मेरे ख्याल से नहीं होगा। लास्ट ईयर अगर आप देखा होगा लिस्ट वन से लिस्ट टू के अंदर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, तो इस बात का ख्याल रखें। जो बच्चे इससे कम पे भी आ रहे हैं वो उम्मीद ना हार रहे हैं। अगर लिस्ट वन में मान लीजिए थोड़ी ऊपर चले गई 2-3 नंबर, तो लिस्ट टू में मेरे ख्याल से वो ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन यहाँ वाले बच्चों को एडमिशन मेरे ख्याल से 100% मिल जाएगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। सो अगर आप मुस्लिम कैटेगरी के अंदर आते हैं तो मेरे ख्याल से तो कट ऑफ यहाँ पर जो रहने वाली है अराउंड मेरे ख्याल से 112 to 116 के बीच में दोस्तों हो सकती है, 112 to 116। उसके बाद अगर आप मुस्लिम ओबीसी एसटी दोस्तों अगर आप आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर आपको रह सकती है 100 से लेके 105 तक। इससे ज़्यादा दोस्तों मुझे मुश्किल लग रहा है, 100 से लेके 105 के बीच में कट ऑफ दोस्तों हो सकती है। सो अगर आप मुस्लिम वुमेन में अगर आप आती हैं दोस्तों, यहाँ भी दोस्तों मेरे ख्याल से कट ऑफ जो रहेगी वो अराउंड 96 या 95 to 100 के बीच में दोस्तों हो सकती है, 95 to 100। ध्यान रहे जो मैं बोल रहा हूँ आपको, अराउंड 80% केस में यहाँ आपको रहने वाली है, ऊपर का चांस थोड़ा ज़्यादा कम है मेरे ख्याल से। तो अब जामिया इंटरनल दोस्तों अराउंड कट ऑफ आपके लिए रहने वाली इस पेपर के अंदर 100 से लेके 105 तक, इसके ऊपर जाना दोस्तों मेरे ख्याल से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। दोस्तों ये था मेरा गैस बीएससी फिजिक्स के बारे में, पेपर मैंने देख लिया है। सो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।